हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर को कैरिकुलर टॉपिक हेल्थ केयर एंड हाइजीन्स। इससे पहले मैंने फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन्स के वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किए थे, तो अगर आपका वो टॉपिक है तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आपका कोई और टॉपिक है कोई करिकुलर का, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उससे रिलेटिव भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। लेकिन इससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाली हूं, ये सारे ही ऑब्जेक्टिव कई वर्षों में परीक्षा में पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे भी पूछे जाएं शायद। तो आपका ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पर पूरा फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। सामुदायिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक अनिवार्य शिक्षा, ऑप्शन दो प्रौढ़ शिक्षा, ऑप्शन तीन स्वास्थ्य के नियमों के प्रचार, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, उक्त सभी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दो। सामुदायिक स्वास्थ्य एक ऐसा व्यवहार है जिसमें निम्न को बढ़ावा दिया जाता है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक समाज, ऑप्शन दो जनता, ऑप्शन तीन समुदाय एवं व्यक्तियों के मिले जुले प्रयास, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, उक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन। रक्त में किस चीज़ की मात्रा अधिक हो जाने से मधुमेह रोग हो जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक ग्लूकोज, ऑप्शन दो सोडियम, ऑप्शन तीन पानी, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक ग्लूकोज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर चार। मधुमेह में किस दवा को रोगी को दिया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक विटामिन डी, ऑप्शन दो इंसुलिन, ऑप्शन तीन पैरासीटामोल, ऑप्शन चार एंटीबायोटिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो, इंसुलिन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच। मधुरोग है कैसा रोग है? इसके ऑप्शन है, वंशानुक्रम, ऑप्शन दो धय, ऑप्शन तीन संक्रामक, ऑप्शन चार असंक्रामक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक, वंशानुक्रम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर छः। मधुमेह किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक विटामिन, ऑप्शन दो खाद्य पदार्थों, ऑप्शन तीन चयापचय, ऑप्शन चार रक्त। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, चयापचय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर सात। मधुमेह किसमें खराबी के कारण होता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक आमाशय में, ऑप्शन दो पीयूष ग्रंथि में, ऑप्शन तीन फेफड़ों में, ऑप्शन चार पैनक्रियाज में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार, पैनक्रियाज में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आठ। स्त्रियों में मधुमेह होने की संभावना किस अवस्था में होती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक बाल्यावस्था, ऑप्शन दो युवावस्था, ऑप्शन तीन गर्भावस्था, ऑप्शन चार प्रौढ़ावस्था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीन, गर्भावस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर नौ। सामान्य से कम वजन वाले अर्थात अल्प भार के मधुमेह के रोगी को दिया जाना चाहिए? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन एक कार्बोज, ऑप्शन दो प्रोटीन, ऑप्शन तीन दाल, ऑप्शन चार फल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक कार्बोज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर दस।
उच्च रक्तचाप के रोगी के लिए वर्जित है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन एक बीड़ी सिगरेट, ऑप्शन दो मांस मछली, ऑप्शन तीन घी मक्खन, ऑप्शन चार उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार उक्त सभी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। उच्च रक्तचाप के रोगी को आहार देना चाहिए। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन एक संतुलित आहार, ऑप्शन दो मांस मछली, ऑप्शन तीन चाय कॉफ़ी, ऑप्शन चार अंडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन एक संतुलित आहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। रक्तदाब रोग का लक्षण किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन एक हड्डियों, ऑप्शन दो हृदय, ऑप्शन तीन आंतों, ऑप्शन चार फेफड़ों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो हृदय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रौढ़ स्वस्थ व्यक्ति का प्रकुंचन दाब कितना होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक 80 से 90 तक, ऑप्शन दो 90 से 95 तक, ऑप्शन तीन 95 से 100 तक, ऑप्शन चार 110 से 130 तक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार 110 से 130 तक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। सिस्टोलिक तथा डायस्टोलिक दाब में क्या अंतर होता है। इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन एक 20 से 30, ऑप्शन दो 40 से 50, ऑप्शन तीन 60 से 70, ऑप्शन चार 80 से 90। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो 40 से 50। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। 0 से 1 वर्ष बच्चों का सिस्टोलिक दाब होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक 20 से 30, ऑप्शन दो 30 से 40, ऑप्शन तीन 40 से 60, ऑप्शन चार 70 से 90। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार 70 से 90। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। 12 से 20 वर्ष के लड़कों के लिए सिस्टोलिक दाब होता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक 30 से 40, ऑप्शन दो 40 से 50, ऑप्शन तीन 70 से 80, ऑप्शन चार 790 से 110। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार 790 से 110। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। मोटे व्यक्ति को आहार में नहीं लेना चाहिए। इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक वसा, ऑप्शन दो विटामिन, ऑप्शन तीन प्रोटीन, ऑप्शन चार खनिज लवण। का सही उत्तर है ऑप्शन एक वसा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। मध्य आयु में लोगों में वृद्धि हो जाती है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक यकृत में, ऑप्शन दो आंतों में, ऑप्शन तीन न्यून भार में, ऑप्शन चार मोटापे में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन चार मोटापे में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। शरीर की किस स्थिति में शरीर का भार आवश्यकता से 10% बढ़ जाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन एक मोटापा, ऑप्शन दो अधिक भार, ऑप्शन तीन न्यून भार, ऑप्शन चार अल्प भार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन दो अधिक भार। अगला प्रश्न।